राम को अपना स्थान ठहरने के लिए दे दिया। भगवान श्री राम और माता श्री जानकी जी परकुटी बनाकर के उसी स्थान पर विराजमान हुए। श्री लखनलाल जी कुछ ही दूर पर भगवान की सेवा में रहते हैं ताकि कोई जंगली जीव हिंसक पशु यहां आने न पाए। उसी समय सूर्य पड़ था, रावण की बहिनी दुष्टे ने दारो जैसे अहिनी दुष्टे ने दारो जैसे अहिनी सो कई एक बारा देख बिकल भई जुगल कुमार। क्या करूं, अब तो लंका में तबीयत ही नहीं लगती, ऐसा लगता है कहीं घूम के आऊं, लेकिन कहां जाऊं। अरे हां, याद आया, आज पंचवटी पर घूमने के लिए जाऊंगी। पंचवटी पर बहुत दिन से नहीं गई, चलती वहीं, लेकिन ये काली काली रात मैं अकेली, मुझे बहुत डर लग रहा है। और रेन काली मेरा चिराग दे है, पिया को ढूंढन चली अली मैं। रेन काली चिराग दे है, नजर न आया बोबा का छेला, नजर न आया बोबा का छेला, दूर आई मैं गली गली में। गली में लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं मिले, ना जाने कहां है, कैसे है, क्या पता। गली गली नजर न आया बोबा का छेला, नजर न आया बोबा का छेला, टूट आई मैं गली गली।
ढूंढी मैंने गली गली। नजर न आया बुआ का छेला, नजर न आया बुआ का छेला, ढूंढ मारी मैंने गली गली। पंचवटी का तो नजारा ही बदला हुआ है। ये पंचवटी कहां रूखी सूखी पड़ी रहती थी, आज तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, फूल खिल रहे हैं, नदियां कल कल करके बह रही हैं। लगता है वो आ गए जिनकी राह मैं बरसों से देख रही थी। कौन है वो जिनके प्रताप से ये पंचवटी हरी भरी हो गई है? यही है क्या? आओ इनके प्रताप से तो और सूख जाएगी। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्का। सामने एक दिव्य कुटिया दिखाई दे रही है और उसके समीप में ये तपस्वियों के भेष में बड़े ही सुंदर कोई राजकुमार बैठे हैं। क्या ये वही हैं जिनके आगमन से ये पंचवटी हरी भरी हो गई है? मैंने आज से पहले इनको नहीं देखा, क्यों ना इनसे जाकर के परिचय करूं, ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है। हे वनवासी वीर पुरुष, मैं अक्सर पंचवटी पर आया जाया करती हूं, लेकिन मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ ही दिनों में यहां आकर के रहने लगे हैं। यदि हर जिला समझे तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपके सम्मान्य श्री पिताजी का नाम क्या है, मुझे बताएं तपस्वी राजकुमार। देवी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी हमारे पूज्य पिता हैं। हमारा नाम राम है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा यहाँ निवास बना है। पर कहें आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं, व्यक्त करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब आपने अपना परिचय दे दिया तो मुझे देने में क्या हर्ज है। सुने, मैं लंकापति राजा रावण की हमसीर हूँ। आपने सुना होगा लंकाधीश्वर राजा रावण। क्या उसी रावण की बात कर रही हो जिसे हम ही नहीं बल्कि या सारा संसार जानता है, जिसके नाम का इस संसार में बज रहा है डंका, जिसके नाम का इस संसार में बज रहा है डंका, जिसके पास है विश्व विख्यात सोने की लंका, क्या उसी वीर बंका की बहन हो तुम? हाँ हाँ, अच्छा, मैं लंकापति राजा रावण की हमसीर हूँ, खूबसूरती में बे नजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण वो पंचवटी में ही रहते हैं, अजी रूप के लहजात से वो मुझे स्वरूप कुंवर कहते हैं। अलवक्ता बहुत से राजकुमारों की मेरे ऊपर तबीयत तो आई, लेकिन राम जी में किसी को खतर में नहीं लाई। तो फिर आज तुम हमारे पास क्यों आई? आपके दिल में जगह पाई इसलिए चली आई। तुम्हारी बात अभी समझ में कम आई। समझ में नहीं आई? नहीं। लो जी, ये देखने के है अकलवंद लेकिन है पूरे सौदाई। जी तुम मेरे ख्वामिद, मैं तुम्हारी लुगाई, अब तो समझो मेरे बाप के जमाई।
आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? एक प्रस्ताव लेकर के आई हूँ, यदि आप उसको स्वीकार करें। प्रस्ताव मेरा ये है, तुम सन पुरुष न मौसम नारी, कह संजोग विधि रचा विचारी। आपके समान का पुरुष और मेरे समान की नारी इस संसार में नहीं होगी, यह संजोग विधि ब्रह्मा ने बड़ा सोच विचार करके रचा है। तभी तो ताते अब लग रही हूं कुमारी, मन माना कच्छ तुम्हें निहारी। तब से अब तक मैं कुमारी हूं और आपको देख करके मन में कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ये आया कि मैं आपसे विवाह कर लूं। यदि आपसे मेरा विवाह हो जाएगा ना, तो बड़ी सुंदर जोड़ी बनेगी हमारी। माला हम दोनों का स्वरूप और विधि ने विचार कर रखा है, विधि ने विचार कर रखा है और चंद्रमा बना स्वीकार करें, मेरे साथ गंधर्व विवाह करें। क्षत्रिय राजकुमार, देवी आप हमारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हैं, पर हम विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। देवी हम कुआरे नहीं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझ के, अतएव तुम्हारी हमारा विवाह हो चुका है, हम विवाह नहीं कर सकते। आपका विवाह हो गया है अब बस, तो क्या हुआ? विवाह हो गया और कर लीजिए, अभी ये अकेली है, कम सेवा होती होगी। जब हम दो हो जाएंगी तो खूब सेवा करेंगी तुम्हारी। देखो राम जी बार बार समझा रही हूँ, यहाँ कहाँ बने बाबा जी फक्कड़ बैठे हो,
कोई पानी तक को ना पूछता होगा। और मेरे साथ चलो लंका, तो मैं लंका के वैभव दिखाऊंगी। सोने के ओढ़ने वाले, सोने के बिछाने वाले, सोने की रोटी, सोने की दाल जिसमें मोतियों का तड़का लगवाती हूँ। सोना ही सोना है लंका में, और सोना ही सोना है मेरे भैया। कुंभकर्ण की नींद तो 6 महीने में खुलती है। बार बार समझा रही हूं, मान जाइए ना। हाय भैया कितना तड़फाते हैं आप। और मैं तुम्हें बारी बारी समझाऊं, और मैं तुम्हें बारी बारी समझाऊं, और रघुवर मो संग प्यार चा। जाएंगे तो लोग यही कहेंगे, वो देखो राजा रावण के जीजा जी जा रहे हैं। सुधीर भैया आपकी ओर से 10 रुपए की राशि है, और 10 रुपए और भी कोई भाई है पिपरिया कानपुर निवासी आपकी ओर से। और राम जी
चल कर रहियो मेरे राज भवन में जी। ओ तपसी के भेष फिरो क्यों वन में, चल कर रहियो मेरे राज भवन में, चल कर रहियो मेरे। आवे सो ओढ़ और बिछइयो, जी आवे सो खाय, मैं तोहे बार बार समझाऊं रघुबर मोसन ब्याह रचा, मैं तोहे बार बार समझाऊं। घूमोगे तो मेरे जैसी नारी ना मिलेगी आपको। ये 10 रुपए हमारे श्री मुरलीधर भैया आपकी ओर से। सीत ही चित कही प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघु भ्रा। हमारा विवाह हो चुका है, हमारी भार्या है ये। हाँ तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। आहे कुमार मोर लघु भ्राता, यहाँ से कुछ आगे चलते हुए जाओगी तुम तो देखना एक शिलाखंड में छोटा भाई हमारा लक्ष्मण बैठा है। जिस प्रकार से तुम कुमारी हो उसी प्रकार से वो भी कुमार है। उसके पास जाओ, प्रस्ताव रखना, विवाह कर लेगा। अच्छा, वैसे मेरी इच्छा तो थी आप ही कर लेते, काय का भगा रहे हो। नहीं जाओ, हमारा हो गया है, तुम वहीं जाओ। देखो ना राम जी, पसीना में नहा गई लेकिन तुमको कोई तरस ही नहीं आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊं, ऊपर से कूद जाऊं तो प्राण निकल जाए मेरे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुम वहीं जाओ। ठीक है, जा रही हूं, यहां पे तो काम नहीं बना। राम जी कहते हो मैं भैया के पास जाओ, और भैया ना जाने कैसे होंगे, कहीं ऐसा तो ना हो कहीं पे निशाना, कहीं पे नजरें। पर बड़े भैया सुंदर है तो छोटा वाला तो सुंदर ही होगा, जाके देखती हूँ। बाबा जाओ, आज तुम क्या मन कर रहे हो यहाँ शादी करने की, जल्दी पड़ी मुझे। अरे वाह, पीस तो ये है, अब वो काला काला छी, आदमी ना आदमी की सूरत, भला उससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत, मैं तो इनके संग में शादी करूंगी। ठीक है, गोरा गोरा लाल लाल टमाटर जैसा धरा है, बिल्कुल सही, लेकिन स्वभाव मुझे कुछ कड़क मालूम पड़ता है। ये पहले से ही बहुत अरेरे बैठे हैं। मैंने राम जी से जाकर के बात की थी तो राम जी का बड़ा कोमल स्वभाव था, इनका पता नहीं है जाऊं कि ना जाऊं, जाऊंगी नहीं तो शादी कैसे होगी। अजी सुनते हो, आजी लक्ष्मण क्या देख रहा है, इस बियाबान जंगल में एक अकेली देवी विचरण कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वन प्रखंड की बंदे भी स्वयं आ गई हो, लेकिन इनके निकट में चलना चाहिए। कहिए देवी, देवी आप कौन हैं और इस तरह से इस बियाबान जंगल में अकेली विचरण कर रही हैं। आप जानती हैं
इस बियाबान जंगल में नाना प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं एवं नाना प्रकार के निशाचरों के समूह भी विचरण किया करते हैं। किसी हिंसक जीव ने या किसी निशाचर ने आपको कोई हानि पहुंचाती, इसका आपको तनिक भी भय नहीं लगता? लो जी, ये कह रहे हैं हिंसक जीव, इनको पता नहीं मुझसे ज्यादा हिंसक कौन होगा। नहीं जी, मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं एक काम से आई हूँ। काम से? हाँ बताओ। वो जो वहाँ पे कुटिया पे बैठे हैं, वो आपके कौन है? बड़े भैया, पड़ोसी रामदा। आपके भैया हैं? उन्होंने मुझे भेजा है। भैया ने जी आपको हमारे पास में भेजा? हाँ। कोई कार? जी। अच्छा, कार है? हाँ। बतलाओ। बताऊं? शर्म लग रही है। देखिए देवी, ऐसा है कि लज्जा नारियों का आभूषण ही है, और जिस नारी को लज्जा ना आए तो काहे की नारी। अच्छा, और तो बता दूं? बताओ। मुझे आपके भैया ने आपके साथ, देखो इधर देखो, यूं 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 करने के लिए भेज। अर्थात? नहीं समझे। आपके भैया ने मुझे आपके पास विवाह करने के लिए भेजा है। क्या? हाँ, विवाह करने के लिए। देख लो। लेकिन देवी, आपने अपना नाम नहीं बतलाया, आप कहाँ से आई हैं, कौन है, इसके बारे में कुछ नहीं बतलाया। हाँ सब बताती हूँ, पहले हाँ तो कर दो। अरे ऐसे कैसे करेंगे, पहले बतलाओ। अच्छा, नाम बता दूंगी फिर कर लोगे? देखेंगे, अभी देखोगे? और क्या, देख लो, इतनी तो खड़ी हूँ पांच हाथ की। अच्छा देवी, ये बताओ कि आप आई कहाँ से? मैं आपके भैया के पास से। अच्छा, रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली तो मैं लंका की। अच्छा, जन्म स्थान लंका ही है। जी, मेरा नाम है बज्रमणि। अच्छा हाँ, और काम है आपसे विवाह करना। सुन सुंदरी मैं प्रभु कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। देवी, यदि पड़ोसी राम जी ने तुम्हें हमारे समक्ष में भेजा है तो सुनो, मैं तो उन्हीं प्रभु श्री राम जी का एक छोटा सा दास हूं और पराधीन भी हूं। तुम्हें हमारे साथ में रहकर कभी सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु समरथी कौशलपुर राजा, जो कछु करेगी उन्हें सब छा। क्योंकि भैया तो समर्थवान हैं, यहाँ तक कि नहीं बल्कि वो तो कौशलपुर के राजा भी हैं। वो जो कुछ करें उनके लिए सब शोभा देता है, हमारे जैसे दास के लिए नहीं है। क्योंकि देवी, सेवक सुख चहमान विकारी, व्यसनी धन सुख गति विचारी। सेवक, सेवा करने वाला व्यक्ति चाहे कि मुझे अपने स्वामी के पास कोई काम कार्य ना करना पड़े, मुझे सुखों की प्राप्ति हो, तो सेवक के लिए सुख प्राप्त नहीं होता। मानवकारी, भीख मांगने वाला व्यक्ति यदि चाहे कि समाज में हमारा सम्मान हो, तो भिखारी का कोई सम्मान भी करने वाला नहीं है। व्यभिचारी चाहे वो नर हो या फिर नारी हो, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति चाहे कि जब इस धाम को छोड़कर हम वहां पर जाएं तो वहां पर हमारी शुभ गति हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता है। और देवी, लोभी ये चार गुनामी तो नभदी दूध चाहत प्राणी। एक पुरुष होता है लोभी पुरुष, वो यदि चाहे कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति में हो जाए, तो देवी तो संसार के प्राणी हैं, अपने हृदय में नाना प्रकार के विचार किया करते हैं, नाना प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। अरे संसार के प्राणी तो आकाश से दूध को दोहना चाहते हैं, लेकिन आकाश से दूध नहीं बल्कि जल की वृष्टि हुआ करती है। असंभव बात को संभव बनाना चाहते हैं, उसी तरह से आप भी असंभव बात को संभव बनाना चाहते हैं। इसलिए देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। हाय
गईया, तुम्हारे पास में अगर दो चार छह दिन और रही तो मैं तो बाबा जिन बन जाऊंगा। वो कैसे? ये प्रवचन तुम्हारा मेरी समझ में कौन आया? एक भी बात समझ में नहीं आई। मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेके आई हूँ, ये बताओ आपको विवाह नहीं करना तो फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। देवी ऐसा है, हंसना एक खुमारी है, रोना तो बीमारी है। अच्छा, हाँ इसलिए हंसते ही रहते हैं। क्या? अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। ऊपर से नाजी नाजी और अंदर से हाजी हाजी कर रहे हैं। माल ऐसी दे साधे मुझे देख, तुम क्यों इतना मुस्काते हो? आए दैया ऐसे ना देखो, तुम क्यों इतना मुस्काते हो? और वो तो प्यार है, उन्होंने खरा सा उत्तर दे करके मुझे वहां से भेज दिया ना, ऐसा आप ना करें। उत्तर देना कुछ खरा नहीं, वो तुम बना बनो मैं बरनी हूं, तुम बना बनो मैं बरनी हूं, ये रिश्ता भी कुछ बुरा नहीं, तुम बना बनो मैं बरनी हूं। इसलिए आप पन्ना बन जाइए और मैं दुल्हन बनी जाती हूँ, अब बस विवाह कर लीजिए। असंभव है। नहीं करोगे? ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए कर लो। देखो ना, तुम्हारे लिए जाने क्या क्या छोड़ करके आई। लंका जैसे राजभवन छोड़ करके यहाँ जंगलों में मारी मारी घूम रही हूँ और तुम हो विवाह नहीं करते। कर ले ना, नहीं करोगे? और मैं तो छोड़ आई लंका का राज और लक्ष्मण